यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सरन सिंह की मुसीबत और बढ़ सकती है। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने गवाही दी है। उन्होंने बताया कि एक महिला पहलवान ने खुद को ब्रिजभूषण से छुड़ाया था। वो ब्रिजभूषण को धक्का देकर दूर हो गई थी। आप भी सुनिए जगबीर सिंह ने क्या कुछ कहा। चोर कभी ये बोलता है क्या मैंने चोरी की है? चोर ने कभी आज तक बोला है क्या मैंने चोरी की है? वो सब बहाने तो करते ही है लोग। वो तो जिन लोगों ने या वो इतना साल पुराने रिकॉर्ड निकल जाएंगे या फाइलें निकल जाएंगी। 2013 में जो टीम गई थी उन बच्चियों से पूछा जाएगा, वो चीज़ें निकाली जाएंगी। तो मेरे ख्याल में अब ज़्यादा पुराना समय हो गया, क्योंकि अब तो वीडियो वगैरह, क्योंकि जब तक इतना मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, अगर वो ऐसी चीज़ें होती तो शायद रिकॉर्ड बहुत मिल जाते। जगबीर सिंह 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि ब्रिजभूषण महिला पहलवानों के बगल में खड़े थे। इससे महिला पहलवान असहज महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि मैंने ब्रिजभूषण को एक महिला पहलवान के बगल में खड़ा देखा था। पहलवान ने ब्रिजभूषण से खुद को छुड़ाया था। उसने ब्रिजभूषण को धक्का दिया, फिर कुछ कहते हुए दूर चली गई। जगबीर सिंह ने बताया कि महिला पहलवान ब्रिजभूषण के बगल में खड़ी थी, लेकिन इसके बाद सामने आ गई। मैंने देखा कि ये वो महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वो असहज थी। जगबीर ने कहा कि मैं फुकेत में भी था, मैं लखनऊ में भी था और मैंने देखा कि ब्रिजभूषण ने महिला पहलवानों को परेशान किया। दरअसल विनेश फोगाट, साक्षी बलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवान, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवानों ने ब्रिजभूषण सरन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 केस दर्ज किए। इन मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच अंतिम चरण में चल रही है। दिल्ली पुलिस की SIT अगले हफ्ते तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकती है। पुलिस ने इस मामले में 208 लोगों से पूछताछ की है। इसमें शिकायतकर्ताओं, गवाह, ब्रिजभूषण के करीबी और परिवार के सदस्य शामिल हैं। इन लोगों से शिकायतकर्ताओं द्वारा लाए गए आरोपों और FIR में दर्ज घटनाओं के बारे में पूछताछ की गई है। पुलिस के मुताबिक मामला बेहद संवेदनशील है और सभी तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर जांच की जा रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जा रहा है और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए वीडियो और फोटो की पूरी तरह से जांच की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।